कल्याण हो, 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 कल्याण हो। भिक्षां देहि काल बड़ा बलवान है, सबको नाच नचाए, पांडु पुत्र भी मांगते भिक्षा घर घर जाए, भिक्षा घर घर जाए। कल्याण मस्तु, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, कल्याण मस्तु। इस समय कहाँ हो देवी? बहुत दिनों के पश्चात जो तुम्हारे घर में थोड़ा सुख चैन मिला, तो तनिक अतीत की ओर निकल गई थी। ताईजी, ताईजी, सुख चैन क्या होता है? ये एक मिठाई है वत्स। ताईजी, ताईजी, हमें भी मिठाई खिलाना ताईजी। वो मिठाई तो तुम्हारे पास है। कहाँ? ये जो तुम्हारे मीठे बोल है वत्स। तब तो ये मिठाई तुम ही खा लो ना ताई जी। जब देखो पटर पटर बोलता रहता है। बाबा आ गए। माँ, माँ, बाबा आ गए। मैं अभी आई। तू ताई जी के पास बैठकर यहाँ चावल नहीं बन सकती? अब ये भी यही करने लगेगी तो मैं क्या करूंगी? पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। अरे मेरा वत्स क्या कर रहा था? ताईजी को मिठाई खिला रहा था। अच्छा, मिठाई कहाँ से आई तुम्हारे पास? मेरे बोल मीठे होते हैं ना पापा। तुम्हारी दीदी कहाँ है? ताईजी के पास है। अच्छा। प्रणाम माती, हम भिक्षा लेकर आ गए। आपस में बांट लो पुत्रों। माता श्री सदैव ही ये कह देती है कि आपस में बांट लो, परंतु मजले भैया के ना होने से खाने पीने की वस्तुएं बांटना बिल्कुल रसीन लगता है। वहाँ खाने का कोई कष्ट नहीं होगा सदैव। यदि होता तो मजले भैया कब के आ गए होते। परंतु बहुत दिन बीत गए भ्राता श्री, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। भाभी मन लगाकर खिलाती होंगी। तुम उसे बहुत छेड़ते हो सहदेव। यदि वो मुझे इतना चाहते ना होते भ्राताश्री, तो मैं उन्हें कभी ना छेड़ता।